सामने का रास्ता देखो ऐसा है, बहुत ऊंचा है ऊपर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ राइस प्रामाणिक। मैं 3 देशों का सफ़र में निकला हूँ, इंडिया, नेपाल, भूटान। और अभी मैं हूँ नागालैंड का दिमापुर में जा रहा हूँ। अभी इधर से दिमापुर 40 किलोमीटर भैया का घर पे था, तो अभी मैं निकल चुका हूँ और आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं। तो चलो आगे जाते हैं, आप लोगों के साथ आज फिर से नया वीडियो दिखाते हैं और क्या क्या होता है नहीं होता है पूरा दिन ये सब दिखाते। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करना। हाँ, और थोड़ा बात बोलना था भाई, थोड़ा काला हो गए, जो भी हो भगवान भी ऐसे ही दिया, कोई बात नहीं। दिमापुर जाने के रास्ते में ये ऐसा जंगल पड़ता है और रास्ते के 2 साइड में ही जंगल है, लेकिन इधर थोड़ा जंतु जानवर कम निकलता है, मतलब अगर निकलेगा भी रात को। लेकिन दिमापुर से पहले मैंने एक जंगल पार किया, वो 22 किलोमीटर का है, दिन में ही हाथी निकलता है। सच बात बोलूँ तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन चला लिया। हेलो गाइस, मेरा सरजद इधर खड़ा है और अभी मैं आ गया एक मंदिर में, और इधर से 1 किलोमीटर दूर है माँ देवपानी दुर्गा मंदिर, तो हम जाएंगे उधर और देख के आएंगे 1 किलोमीटर इधर से। मैं मंदिर के रास्ते आ गए और इधर साइड में थोड़ा थोड़ा दुकान है, ऐसी बात है। और 1 किलोमीटर दूर है वो गेट से, 1 किलोमीटर जाएंगे हम। तो चलो जाके उधर अगर कैमरा में आप लोगों को दिखा पाते तो दिखाएंगे, ये बात है। मंदिर के सामने आ गया और बहुत सारे दुकान हैं इधर, देखो ये मंदिर का गेट है और बहुत सारे दुकान हैं। और मेरे सरजदी को इधर पार्क कर दिया, तो चलो अंदर जाते हैं श्री श्री देवपानी दुर्गा मंदिर। मंदिर के अंदर मैं प्रवेश कर चुका हूँ और अंदर का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मंदिर के अंदर मैं प्रवेश कर चुका हूँ। दिखाने बच्चे ये इधर है, देखो वो लाल धागा बांधने के लिए मैं ले लिया, 10 रुपया प्राइस लिया। तो चलो जाते हैं। देखो ये जो पेड़ है बॉट का, पूरा एकदम 4 साइड में पूरा लगा हुआ है। और मैं थोड़ा इधर का नज़ारा दिखाता हूँ आप लोगों को। एक भक्ति होता है अंदर आने में, सच में मतलब ऐसे लग रहा है कि एकदम शांत जगह में आया। बहुत इंसान है लेकिन कोई हल्ला नहीं, कुछ नहीं, एकदम धीरे धीरे अपना अपना काम चल रहा है। ये भगवान का एक पूजा करके देखो, कबूतर को छोड़ देगा, पूजा हो गया अभी छोड़ दिया कबूतर को, पूजा हो गया अभी छोड़ दिया कबूतर को। ये देखो कितना कबूतर है इधर, सब जो पूजा होता है पूजा होने के बाद छोड़ देता है, सब कबूतर इधर ही रुक जाता है। इधर शादी भी होता है, शादी हो रहा है, मैरिज हॉल उधर है, हॉल इधर रख दिए थे, अभी पहन लेंगे। और इधर का नज़ारा अच्छा है थोड़ा, तो चलो मैं अभी निकलूँगा इधर से और सामने एक हनुमान जी का मंदिर आएगा 5 मुखी, तो उधर हम जाएंगे। मेरा सरजदी इधर है और मैं अभी आ गए 5 मुखी हनुमान जी के मंदिर पे। जय सिया राम। तो दोस्तों मैं मंदिर से निकल गया, अभी मैं
दीमापुर के तरफ जा रहा हूँ और जाते जाते आप लोगों के साथ वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो धीरे धीरे जाते हैं। इधर का रास्ता सही है लेकिन थोड़ा ऊंचा नीचा है। तो चलो, जंगल के अंदर एक ब्यूटीफुल प्लेस है, देखो कितना अच्छा है। और पानी थोड़ा घोला टाइप के है, मिट्टी घुला हुआ है, लेकिन इधर मछली पकड़ रहे। देखो वो भैया का हाथ पे जाल है और इधर तीन बंदा मछली पकड़ रहे पानी को अटका के। ये पेड़ देखो बहुत पुराना लग रहा है और कैसे साइड में एक किसका पौधा है पता नहीं, लेकिन इसमें अच्छा वाला फूल होता है, जस्ट असम लगता है। ये देखो दीमापुर जाने के लिए, जाने के रास्ते में एक अच्छा सा बहुत अच्छा सा मार्केट मिल रहा है, दो साइड में ही है। हम जाएंगे इधर, रास्ता देखो नज़ारा जस्ट अच्छा है। मेरा शहजादी इधर खड़ा है देखो, और साथ में एक भैया मिल गया। जगह का नाम दिलाजन है। दिलाजन है। तो इधर भैया के साथ मुलाकात हुआ, बहुत अच्छा है। संजय तरन। तो भाई के साथ मुलाकात हुआ तो बहुत मस्त लगा, बात किया, फोटो भी उठाया। चलो भाई लोग भी घूमने निकले बाइक पे, ठीक है। हेलो गाइस, मैं उड़ा इसप्रा मणिक, मैं 3 दिनों का सफ़र में निकला हूँ, इंडिया, नेपाल, भूटान। और मेरा शहजादी इधर खड़ा है और भाई लोग से मुलाकात हो गया। ये जगह का नाम है बाली पत्थर। तो इधर ही साइड में एक स्कूल है, दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन भाई लोगों से बात हुआ अभी तो बहुत अच्छा है। तो हेलो, हाय कर दो। चलो मैं अभी दीमापुर की तरफ जा रहा हूँ। मेरे शहजादी का टायर लीक हो गया, अभी सही कर रहा हूँ। सब्जी भात खा रहे थे जल्दी। देखो पूरा पहाड़ है एकदम साइड में, दिखाई दे रहा है। मैं अभी दीमापुर के तरफ जा रहा हूँ, इस साइड में पूरा पहाड़ी पहाड़ है। देखो नज़ारा, आदमी बहुत। ये छोटा मोटा एक मार्केट है रास्ते के बगल में ही मार्केट का, तो मैं साइड से जा रहा था और देख रहा था, मार्केट छोटा मोटा है। देखो कोहिमा इधर से 76 किलोमीटर है कोहिमा। ये लिखा हुआ है वेलकम टू दीमापुर नागालैंड, दीमापुर नागालैंड। अभी मैं हूँ दीमापुर और इस साइड में पूरा शहर है। कल आग लग गया था इधर, पूरा जल गया एकदम। और इधर से ट्रेन जा रहा है, दीमापुर। देखो कल आग लग गया उधर, बहुत नुकसान हुआ सबका। यह है दीमापुर एयरपोर्ट, ये देखो भाई एयरपोर्ट के बगल में देखो बड़ा बड़ा पहाड़ है, पूरा पहाड़ी पहाड़। दीमापुर एयरपोर्ट, इधर से लैंडिंग होता है या उड़ता है। इधर से कोई मैं ज़्यादा दूर नहीं है, 68 किलोमीटर। और मैं ये पेट्रोल पंप पर रहने के लिए मैं रुक गया था, लेकिन उड़ीसा का 3 भाई लोग है इधर, तो भाई लोग मेरे को रहने को जगह दिया, खाना दिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करो और फॉलो कर दो।